आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। जन्मदिन पर महिलाओं में वितरित किया मास्क। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के रुस्तमपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बालिका इंटर कॉलेज रुस्तमपुर के प्रधानाचार्य व समाज सेविका प्रिया पांडे ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं के बीच मास्क व साबुन का वितरण किया। उन्होंने महिलाओं को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताते हुए कहा कि कोरोना की जंग में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। घर की साफ सफाई से लेकर खाने पीने की चीजों तक साफ सफाई महिलाओं के ही द्वारा की जा रही है। ऐसे में महिलाओं को सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। प्रिया पांडे ने कहा कि जब तक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक सावधानी व सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है। देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। उपाध्याय इंटर कॉलेज के प्रिया पांडे के जन्मदिन के अवसर पर मास्क वितरण किया गया। मैं शिवसेंद्र यादव, थाना रिपोर्टर, खुटहन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। बारिश के चलते दिलीप गौतम का घर गिरकर हुआ धराशाही। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिलकिछा गांव में बारिश के चलते राजेश गौतम का घर गिरकर धराशाही हो गया। रहने के लिए कोई घर नहीं है, किसी तरह से अपना गुजर बसर छप्पर में कर रहे थे। प्रधानमंत्री योजना का आवास अभी तक नहीं मिला, मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे। इतनी अधिक आमदनी भी नहीं है कि अपना घर बनवा सके। कुदरत का कहर, इतना तेज बारिश होने से घर धराशाही हो गया। इसके पहले तो किसी प्रकार की अपना इससे पहले तो किसी प्रकार से छप्पर डाल करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस बारिश में छप्पर भी साथ नहीं दिया, मजदूरी करके परिवार के भरण पोषण के लिए करते थे। भगवान ने गरीब परिवार का आसियाना ही छीन लिया। आप देख सकते हैं कि गरीब परिवार अपने बच्चों का जीवन किस प्रकार से यापन कर रहा है। देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। इच्छा गांव में विनोद कुमार का बारिश के चलते घर गिरकर धराशायी हो गया। मैं शिवसेंद्र यादव, थाना रिपोर्टर, खुटहन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस और कृष्णम समिति अध्यक्ष ने दिया धरना। जी हां, यूपी के जनपद संभल के बहजोई में डीएम कार्यालय के बाहर कृष्णम समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ दिया धरना प्रदर्शन। कृष्णम समिति के अध्यक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान हुए परेशान, भाजपा के राज में खाद के कट्टे के लिए सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे, खुलेआम संभल में खाद के खट्टों की दलाली चल रही है। ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। किसानों से संवाद करते हुए कृष्णम समिति अध्यक्ष डीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है, मोदी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। देखिए कुल फतेहगढ़ से हेमंत चौधरी की रिपोर्ट। आप लोग बताओ क्या कंडीशन है? आप लोग बताओ क्या कंडीशन है? पट्टे मिल रहे नहीं मिल रहे? चंदौसी में गणेश महोत्सव की तैयारी जोरों से। जी हां, गणेश बाबा की महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। गणेश मंदिर को पूरी तरीके से रोशनी से जगमगा दिया गया है। बोलो गणपति बप्पा मोरिया के नारे लग रहे हैं। जनपद संभल के तहसील चंदौसी में प्रसिद्ध गणेश बाबा का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बाबा गणेश जन्म उत्सव में शामिल होकर सुबह बाबा गणेश जी के दर्शन करेंगे और बाबा का प्रसाद पाएंगे। पूरी चंदौसी में गली गली और घर घर में गणेश बाबा विराजमान होंगे। लोगों में काफी उत्साह है। कोरोना का ग्रहण लगने से इस बार आज के दिन चंदौसी में धूमधाम से गणेश बाबा की निकलने वाली बारात और 20 दिवसीय मेला ग्राउंड में लगने वाले मेले को रद्द करना पड़ा। इसके बावजूद भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं गणेश बाबा के प्रसाद के लिए हलवाई भी प्रसाद बनाने में जुट गए हैं। देखिए कुल फतेहगढ़ से हेमंत चौधरी की रिपोर्ट।
भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतार। जी हाँ, यूपी के जनपद संभल के तहसील चंदौसी के नगरी में प्रसिद्ध गणेश महोत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। वह कोरोना के ग्रहण लगने से आज दिनांक 22 अगस्त को कोरोना जैसी महामारी के बीच भगवान श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर पुलिस प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को भगवान श्री गणेश के दर्शन कराए। इसी बीच श्री गणेश मंदिर कमेटी द्वारा लोगों को मास्क प्रदान किए गए, साथ ही सारे एरिया को लगातार सैनिटाइजिंग किया गया। भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए एसडीएम सीओ अन्य बड़े बड़े पदाधिकारी पहुंचे। देखिए कुल फतेहगढ़ से हेमंत चौधरी की रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं पाश्चिम इंडिया। कोरोना महामारी के चलते भगवान श्री गणेश का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और यहाँ पर पुलिस प्रशासन बहुत ही अच्छे तरह से मुस्तैद रहा, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराता रहा और सीओ, एसडीएम और अन्य बड़े बड़े पदाधिकारी भगवान श्री गणेश के दर्शन करने आए। आइए हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं गणेश बाबा और गणेश महोत्सव के कुछ नजारे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए भक्तगण बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हुए शासन मौके पर मुस्तैद सैनिटाइज की व्यवस्था प्रशासन द्वारा सैनिटाइज हो रहा है। नमस्कार, मैं हेमंत चौधरी, आप सब देख रहे थे अभी गणेश मंदिर पर बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं भक्तगण और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग पुलिस पालन करा रही है और सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा और आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।